दोस्तों नमस्कार। एक वार्ड सदस्य और एक नल जल के भूमिदाता अनुरक्षक और प्रखंड के बारा बाबू, तीन आदमी के बीच में कुछ बात हो रहा है। उसका कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास में है। इस कॉल रिकॉर्डिंग को मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। वीडियो को आप लोग अंत तक देखेंगे, अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करेंगे। शेयर तो आप लोग करते नहीं है, आगे आपकी मर्जी, जो इच्छा मेरा कहना है कह देते हैं। और आप लोगों के लिए तो मैं लगातार प्रयास करता ही रहता हूँ, लेकिन एक शेयर से भी आप लोग कतराते हैं, नहीं कर पाते हैं। खैर कोई बात नहीं है। तो एक जो अनुरक्षक है वह वार्ड सदस्यों से सवाल करता है कि आपने 30 रुपया का जो महीना असूला, वह पैसा आपने क्या किया। बहुत अच्छी सवाल है, हर आदमी को सवाल करना चाहिए, प्रत्येक उपभोक्ता को सवाल करना चाहिए नल जल के, कि 30 रुपया का महीना वार्ड सदस्यों ने जो असूला, जो नहीं असूला उसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन जिसने पैसा असूला उस पैसा को क्या किया। अगर एक वार्ड में 150 से 200 उपभोक्ता रहता है प्रत्येक वार्ड में, 30 रुपया का महीना से लगभग 5,000 रुपये के महीने की असूली होता है। 12 महीना में 12-25 60 हज़ार की असूली हो रहा है। 2 साल से वार्ड सदस्य लोग पैसा असूल रहे हैं। 2 साल में 1,20,000 की असूली हो रहा है। वह 1,20,000 रुपया कहाँ गया, सवाल बनता है, सवाल होना चाहिए। क्योंकि बिहार सरकार का जो लेटर है, उस लेटर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो भी 30 रुपये का महीना असूली हो रहा है उसको बैंक में जमा करना है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। तो सवाल करना जरूरी है। वीडियो साहब से भी सवाल कीजिए, बड़ा बाबू से भी सवाल कीजिए, और उस वार्ड सदस्यों से भी सवाल कीजिए कि आपने 2 साल में 1,20,000 रुपया असूल करके आपने क्या किया, जबकि बिहार सरकार ने नल जल चलाने वाले के लिए WIMC के खाता पर पैसा आया, लेकिन WIMC के वार्ड सदस्य अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष होने के नाते जो है उस राशि को निकासी कर लिया, गमन कर लिया, लेकिन नल जल चलाने वाले को पैसा नहीं दिया। तो एक तो सरकार ने जो पैसा भेजा उस राशि को भी घोटाला कर गया, और दूसरा जो उपभोक्ता से 30 रुपये का महीना वसूली किया वो भी घोटाला कर गया। तो सभी लोग सवाल कीजिए। चलिए फिर आगे भी बात करेंगे, नहीं तो वीडियो इसी तरह लंबा हो जाता है बात करते करते में, आप और आप लोग पूरी वीडियो को सुनते नहीं हैं। चलिए पहले सुनते हैं कि प्रखंड के जो बड़ा बाबू हैं और वार्ड सदस्य और नल जल के भूमिदाता अनुरक्षक, तीनों आदमी के बीच में क्या बात होता है। सुनते हैं पहले इस वीडियो को। क्यों देवे क्यों ना देवे, महीना में 1,000-1,200 सुनी नहीं। बड़ा बाबू सर हुआ बतियाली जी, वो कहाँ बानी? हेलो कहाँ बानी? हम अभी घर बानी, पानी चला था मोबाइल को बोलो। हाँ है ब्लॉक को बैक मुझे पानी चला ना सारा पानी बोलो। परसों तो बात बोला परसों। हाँ यं दिन में ये बना क्या ना, हमने तो शादी ब्याह बात है और कथा में कर फर्नीचर क्या है। कितना कॉलेज आते सारा डाटा के साथ है, ठीक बा हां का केस के लिए सारा डॉक्यूमेंट के साथ है कि का केस के लिए बनी उसको कॉपी रो वाले करो। उसका फोटो कॉपी लेके है, ठीक बा उसका से जो पारामेंट करे के विषय में हमें ये करे ना समूह में बनी हम जन ठीक रुआयल तो नो पेमेंट रहूं कॉक्स के भाई कॉक्स कितना पर रहूं डिमांड बा
पॉप से पॉप के बाकी बोल बा पॉप के मिलल बा ये सब कुछ लेके लेखा होइन रोग लगे ओतना लेखा हम नहीं हम जब काम कर बहु जान दनी आते जान दनी और आधार काम कर लेबे कितना दिन काम कर लेबे माने 19 से अपनी नॉलेज चलता 19 से नॉलेज चलता अपन 2020 में काम कंप्लीट हुई 2020 में रोग लगे 21 में भइलो के 20 में भइलो के हम जब मैं कर देंगे मैं से नहीं बताएं उतर वाले कहां थे नहीं बड़ा सुनी नॉलेज फलके ना कोई लड़ूगा परत काम थिएटर पर अरे तो मैंने हम कहा था कि 20 महीना खास कर देंगे मैंने हमें काला सुना नहीं गिरो बोले सब लिखल सुन बानी और डॉक्यूमेंट हां हमारे पास तो ठीक ही नहीं रुवा फॉरजरी में फंस जाए उल्टा रुवा हां 2019 राजा ला पी की पता चली कि ताकि हमारे लगे तो अभिलेख में से देखो तो 2020 में कंप्लीट हुई बात 2.5 साल पहले के भुगतान मांगा था नहीं और जरूरी वाला काम बात तो कोई ऐसा ना हो कि सरकार वो पर केस करे झूठे बता ना आराम करने के लिए हाँ ठीक बात है मैंने हम गलती तो कोई ना परसों आ जाए गलती कोर्ट कचहरी में गलती ना होला गलती के सजो होला बड़ा ध्यान तो नहीं पचास सचिव ने चिन्हते नहीं चिंता नहीं पंच राय जी के राव जी राय ना राव हाँ राव जी के हाँ वो चिन्हते नहीं अच्छा और अकाउंटेंट भी चिन्हते नहीं ना अकाउंट नहीं चिन्ह मतलब हम दो दो तीन तीन भाई पैसा ना मिल रहा है ना हम वाला गई रन दो तीन भी अच्छा राव जी के पकड़ के स्पलो कायम ठीक है लग रहा है कि शुरू में जो बात हुआ है आप लोग नहीं सुन पाए हैं उसको भी सुना देता हूँ शुरू वाला शायद कट गया है कि जो पैसा वसूली कैले रही 30 रुपए महीना वो पैसा क्या हो क्यों देवे क्यों ना देवे को महीना में 1000-1200 बड़ा बाबू सर वो सुनी नहीं बड़ा बाबू सर वो बतिया ली जी अरे वो कहाँ बनी हेलो कहाँ बनी हम अभी घर है बनी पानी चला था मोबाइल पर बोलो हाँ हाँ लोग मोबाइल पर मुझे पानी चला मैं अब सारा पानी बोलो परसों तो बात बोला परसों हाँ यं दिन में ये बना दिया ना हमने का शादी भी आवाज़ है मैं आज कथा में कर फर्नीचर क्या है कितना कॉलेज आते सारा डाटा करता ठीक बात काकी तो रिकॉर्डिंग आप लोग सुने देखिए किस तरह से जो है उस प्रखंड के बड़ा बाबू बरगला रहे हैं पैसे को लेकर के यह कहा जा रहा है कि आप केस किए हैं तो फंस जाइएगा जो आदमी 2019 से नल जल चला रहा है और इंजीनियर साहब उस नल जल के MB बुक अगर 2021 में करते हैं चाहे 20 में करते हैं तो यह इंजीनियर की गलती है कि नल जल चलाने वाले की गलती है कौन किया है गलती अगर आप MB लेट से बुक कर रहे हैं तो इसका दोषी आप है आप पंचायत में रहते हैं कि नहीं रहते हैं पंचायत में आप ड्यूटी करते हैं कि नहीं करते हैं जो भी उपभोक्ता है वो कहेगा कि नहीं कहेगा कि कितने दिनों से लोग पानी पी रहा है जब नल जल 2019 से पी रहा है लोग पानी पी रहा है नल जल का और उस वार्ड के अगर ग्रामीण
अगर लिखित देता है कि मैंने 2019 से ही नल जल का पानी पी रहा हूँ और एमबी बुक 2020 में और 21 में हुआ, तो ये तो सरासर इंजीनियर की लापरवाही कहा जाएगा और ऐसे इंजीनियर पर दोषी होना चाहिए, ऐसे इंजीनियर पर कार्रवाई होना चाहिए। और उल्टे क्या कहा जा रहा है कि आप गलत बोल रहे हैं, 2021 का एमबी बुक हुआ है, तो 2021 में आपने एमबी बुक किए हैं, लेकिन हमारी जनता तो कह रहा है कि हम 2019 से पानी पी रहे हैं। ऐसे ऐसे जो है ब्लॉक में कर्मचारी लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि कौन सा नल जल चल रहा है और कौन सा नल जल बंद है, क्योंकि वो लोग तो ब्लॉक छोड़ करके ग्राम में आते ही नहीं है, बस सिर्फ कागज कागज। और कौन नहीं जानता है कि एमबी लेट से बुक हुआ है, सारा लोग जान रहा है कि एमबी लेट से बुक हुआ है, साल भर दो साल तीन तीन साल बाद एमबी बुक किया गया है, और इतना दिन से जो लोग पानी चलाया वो फ्री हो गया। 30 रुपये का महीना जो वार्ड सदस्य असूल के रख लिया है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं, इस पर कोई चर्चा नहीं, और जो नल जल चला रहा है उसके ऊपर उल्टा सीधा बात किया जा रहा है। सरकार का पैसा आया, घोटाला हो गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। यही है नीतीश कुमार जी का सुशासन, यही काम हो रहा है पंचायत में प्रखंड में। इसलिए बिहार के सभी भूमिदाता अनुरक्षक भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग मजबूत बनिए, इकट्ठा बनिए, और अपने हक और अधिकार के लिए जब तक आप लड़ेंगे नहीं तब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ मानसिकता बना हुआ है वार्ड सदस्यों से लेकर के और प्रखंड से लेकर के जो भी कर्मचारी इसमें है वो लोग मिली भगत करके राशि को घोटाला कर रहा है। यही कारण है कि नल जल बंद होता जा रहा है, पैसा वार्ड सदस्यों के खाता पर और नल जल चलाने वाले अनुरक्षक कोई और, पैसा सुनने के काम वार्ड सदस्यों का, नल जल चलाने वाला कोई और, जबकि बिहार सरकार का लेटर है कि जो भी पैसा सूली होता है उस पैसा को बैंक में रखना है, पॉकेट में नहीं रखना है, उसको खाना नहीं है, लेकिन सारा पैसा का घोटाला कर दिया गया, सारे पैसा को गायब कर दिया गया, उस पर जो है बारा बाबू कुछ नहीं बोल रहे हैं। और अपने हक और अधिकार के लिए अगर जो आदमी हाईकोर्ट गया है उनको धमकी दिया जा रहा है, चलिए तो हाईकोर्ट आज नहीं तो कल जरूर न्याय देगा, न्याय मिलेगा, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। जो भी पैसे राशि घोटाला हुआ है, एक न एक दिन उस आदमी को उस राशि का घोटाला का FIR भी होगा, पैसा भी रिकवरी करना पड़ेगा, लेकिन कामयाब वही लोग होंगे जो लोग लड़ाई में लगातार लगे रहेंगे। अगर हाई कोर्ट से भी न्याय नहीं मिलता है तो उसके ऊपर भी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहां तक लोग लड़ेगा लेकिन अधिकार छोड़ेगा नहीं, बस जो सोएगा सो खोएगा और जागेगा सो पाएगा। मिलेंगे फिर इसी तरह अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।